मेरी बात उससे फेसबुक पर हुई थी, मगर मैं उसे हमेशा इग्नोर करती थी। मेरा बड़ा भाई फेसबुक के बहुत खिलाफ था, तो इसलिए मैं फेसबुक बहुत कम इस्तेमाल करती थी। उसने मुझे बहुत फोर्स किया कि मेरी दोस्त बन जाओ, सिर्फ दोस्त, इससे आगे कुछ नहीं। मैं उससे बहुत कम बात करती थी, पर उसका इतना अच्छे से मेरे साथ पेश आना मुझे बहुत मुतासिर करता। फिर बात गहरी दोस्ती पर पहुंच गई। मैं लड़की होकर भी सब कुछ सच बोलती, मगर उसने कभी सच बोला ही नहीं था। इतनी इज्जत कोई मर्द किसी औरत को नहीं दे सकता जितनी इज्जत उस लड़के ने मुझे दी। हमारी बात होते होते फेसबुक से व्हाट्सएप पर पहुंच गई। हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हमारा एक दूसरे के बिना एक मिनट भी गुजारा नहीं होता था। मेरी कज़न भी हमारे बारे में सब कुछ जानती थी। वो इंग्लैंड में रहता था, टाइम का वहाँ बहुत फ़र्क था। वो अपने बिस्तर से बाद में उठता था, पहले मुझे मैसेज करता था, फिर नाश्ता बनाते बनाते काम पे जाते हुए भी बात करना, क्योंकि काम के दौरान कॉल पर बात करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। फिर रमज़ान आ गया, उसने मुझे कहना कि नमाज पढ़ा करो, रोज़ा रखा करो, मुझे तो काम की वजह से टाइम नहीं मिलता। मुझे उसकी ये बातें उसका दीवाना बना गई थी। जब जुम्मे का दिन आता तो उसने मुझे कहना कि चलो शाबाश उठो, जल्दी से जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मुझे मैसेज करो। उसे मेरी आँखें बहुत पसंद थीं, वो हमेशा मेरी आँखों की तारीफ करता रहता था। माहे रमज़ान गुजरा तो ईद आई, और ईद के रोज़ उसने मुझे थोड़ी सी लेट कॉल की, कहता कि नमाज़ पढ़ी, फिर दोस्त नाराज़ थे तो उनके पास चला गया। पहले तो मैं बहुत नाराज़ हुई उससे, लेकिन फिर ईद का दिन था तो इस वजह से मैं जल्दी मान गई। मेरा और उसका साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। मैं जब भी नाराज़ हुआ करती थी तो अपना नेट ऑफ कर दिया करती थी। अक्सर वो मुझे कहता था कि तुम नाराज़ हो जाती हो, अगर मैं मर गया तो तुम्हें कैसे पता चलेगा।